इस परिवार को देख रहे हैं आप, ये वही परिवार है जिसका एक टुकड़ा आज इस दुनिया में नहीं है। ये हैं उनके बड़े भाई। पूरी वाक्या मैं बताऊंगा, पहले जान लीजिए कौन क्या है। ये राजू भैया हैं और ये नाई की दुकान चलाते हैं, और जो हीरा इस घर से गया है उनके बड़े भाई हैं। ये उनकी माता जी हैं, ये उनके पिताजी हैं, और ये इनकी धर्म पत्नी यानी उनकी भाभी हैं। अब पूरा वाक्या ये है कि गोरखपुर का वो अवैध अस्पताल, जिसकी हम कल के वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताए थे कि सेंट्रल अस्पताल जो कि अवैध रूप से चलाया जा रहा है, दो अधिकारी और कुछ अकथित या कहें कि कहे जाने वाले मुंह से कहे जाने पत्रकारों के नीचे नीचे उस अस्पताल की ये कहानी है। आज से करीबन कितने महीने पहले की घटना है ये? दिवाली के पहले का है। दिवाली से पहले की ये घटना है, और वो घटना क्या है पहले इसको दिखा। बाबू इधर आइए, ये उसी हीरे के बेटे हैं, इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या नाम है? सत्यम। ये सत्यम है, और इस सत्यम के पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है और माँ भी नहीं है। ये सत्यम किसके सहारे जिएगा ये नहीं पता, लेकिन पूरा वाक्य आप ये जान लीजिए क्या कुछ है, क्या हुआ था। हॉस्पिटल में गए थे, क्या कुछ मामला था? हम हॉस्पिटल में उनको ले गए तो दो तीन जगह से रेफर हो गए थे, वहाँ पर ले गए तो एडमिट लिए, उसके बाद दवा ववा कराए तो कुछ पैसा बोले, तो मेरे पास 16-17 हज़ार रुपया था, हम दिए। फिर दूसरे दिन में वो 60 हज़ार का बिल बता रहे हैं, 64 हज़ार का। तो हम बोले कि सर अभी इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तो भाई तो हमारा 99% एक्सपायर कर चुका था, 1% बोले लखनऊ ले जाइए। तो हम लखनऊ ले जाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था, तो एक एम्बुलेंस बुलाए वो, और बॉडी को ले जाने नहीं दे रहे थे। तो हमारे पास जो जेवर ओवर था, आधार कार्ड, उसी को रख के वहाँ लिखा पढ़ी करवाए, तो बोले पैसा दे के जाओगे तो अपना जेवर ले जाओगे। जेवर अस्पताल में ही थे? जेवर अस्पताल में हम छोड़ करके तो अपने भाई को हम लखनऊ ले गए, और जो एम्बुलेंस से भेजे वो भी वहाँ फंसा दिया हमको ले जाके, वो भी दलाल ही था। वहाँ भी दो दिन में 70-80 हज़ार ही, एक ही दिन का 70-80 हज़ार बिल बना दिया। तो वहाँ पर भी जो है किसी तरह से 30-40 हज़ार रुपया इधर उधर के जेवर ओवर यहाँ रख करके हम ले गए थे, फिर छोड़ा है वहाँ पर भी, वहाँ से लेके आए फिर। लेकिन ये लोग हमारा जेवर रखे हुए हैं और पैसा के मजबूरन हम नहीं ले पा रहे हैं। कितना पैसा देंगे तो जेवर छूटेगा? वो बोल रहे थे 40-42 हज़ार रुपया। जरा सोचिए, ये डॉक्टर हैं कि दलाल हैं? जिस अस्पताल में एक मरीज को कहते हैं डॉक्टर लोग कि ये मेरे लिए भगवान है, या फिर उनकी जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं, और ये पढ़ाया जाता है कि पहले मरीज की जान बचाना, लेकिन इस अस्पताल में ऐसा किया गया कि पहले उस बॉडी को, या यूं कह ले उस इंसान को रोक दिया गया और कहा गया कि पहले पैसा लाइए, और भाई साहब के पास, परिवार के पास पैसा नहीं था, तो इनका बकायदे अस्पताल में गहना रखवा दिया गया है, और आज भी वो गहना उसी अस्पताल में है। अच्छा, आधार कार्ड भी है आपका? आधार कार्ड भी है इनका, आधार कार्ड भी वहाँ पर जमा है और अभी तक नहीं छुड़ा पाए हैं। घर की स्थिति बहुत दयनीय है, जैसा कि मैंने बता दिया था। अब क्या कुछ था अम्मा जी, और कितना क्या क्या गहना है? अंगूठी है, पाजेब है, और हमारे बड़े वाले लड़का का आधार कार्ड है। हाँ, ये सब सबरा के लिए, तब बाड़ी दिए के लिए जाइए आप। हाँ, तो ये लोग लखनऊ गए, फिर हम कर्जा काट के फिर दिए, तुम्हारे लड़का ये लेकर गए लखनऊ ने भर्ती थे। और जो आप बता रही थी जब मैं बैठा था कि दांत जो क्या था? दांत उनका दो दांत नहीं था उसमें, दांत तोड़ के उनको पेट में नली डाल गया, जैसे मुराते जाता है, तोड़ के डाला गया था। हाँ, आखिर कैसे दांत टूटेगा, नली उसी रात गया, वोट कट गया था। जब हम रोने लगे मोट जी, क्या कह रही है? लखनऊ से बाड़ी आए, देखिए दांत तोड़ा हुआ था, तोड़ करके अंदर पाइप डाले थे। अच्छा, दांत तोड़ दिए? हाँ, दांत तोड़ दिए थे। जब हम मोट होके रोने लगे अपने बाबू का, अपने लाल का, तब सोचे हमारे बाबू का दांत नहीं है। तब हम देखे कि दांत नहीं, हमारे बाबू का दांत क्या हो गया, तब हम रो रो पागल हो गए। तब क्या पता हमारे बाबू नहीं थे, इसलिए देख के दांत उनका, और हम पागल हो गए। कुछ कहने को अंदर से दिल नहीं कहता, लेकिन हाँ, जल्लाद से कम नहीं है डॉक्टर जो आज के डेट में इस तरीके का काम कर रहे हैं। एक नंबर मैं दे देता हूँ इनके ही, क्या लगते हैं वो आपके छोटे भाई है ना, मोहन, नंबर नोट कीजिएगा, दोहरा रहा हूँ, 8318006494, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा,
8318006494। ये मोहन जी हैं, इस परिवार में सबसे छोटे लड़के हैं। अच्छा, बीच वाले हैं। अच्छा, सबसे छोटे वही थे जो इस दुनिया में नहीं है। गूगल पे अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। गूगल पे का ये नंबर जो आपके सामने आ रहा होगा, इस पर इनको गूगल पे करके आप सहायता कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा CMO साहब कि आपके नीचे नीचे ऐसे कई अस्पताल हैं जो चलाए जा रहे हैं, तो अपने सीट को बचा लीजिए, क्योंकि आप ही के, मैं सब जानता हूँ। और अगले के अगले वीडियो में ज़रूर खुलासा भी करूँगा कौन कौन हैं वो लोग, कि आपके नीचे के कुछ आला अधिकारी और कुछ कथित तौर पर पत्रकार कहे जाने वाले लोग उसमें मिले हुए हैं जो इस तरीके से परिवार को बिखेर देते हैं। एक मरीज जब जाता है किसी अस्पताल में, ठीक जब दो तीन हॉस्पिटल रेफर किया गया था ना उनको, पहले कौन कौन से हॉस्पिटल में पहले गए थे आप? यहाँ पर है कोई छात्र संघ चौराहा पर पनेसिया है, और एक यहाँ पर जो दुर्गा जो तारा मंडल वाले रोड पर एक है कोई, और फिर मेडिकल से मिलाए थे वापस। अच्छा, पूरा वाक्य बताइएगा, जैसे आप हॉस्पिटल में गए उस वाले में, पहले हमने गए नहीं सेंट्रल हॉस्पिटल में जब आप गए तो पहले कितना रुपया जमा किया आप? पहले वो डायरेक्ट ले लिए वहाँ पर, डायरेक्ट ले लिए बिना कुछ कहे हुए। हाँ नहीं, बात हमारे गांव के एक लोग थे तिवारी जी, उन्हीं से बात हुआ, वो बोले कि जो है पैसा का कुछ व्यवस्था करा के भेज रहे हैं ताकि मरीज को एडमिट करिए। उसके बाद 16-17 हज़ार रुपये हमारे पास हुआ दिए उसको, तो उसके बाद फिर जो है एक दिन के बदला 2 दिन रोके थे, लेकिन मरीज का कोई स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ तो बोले लो लखनऊ ले जाइए। तो बोले भाई लखनऊ 2 दिन रुके थे तो पहले बताए थे कितना पैसा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। और कितने का बिल बनाया फिर लास्ट में? वो लगभग 60-64 हज़ार का बिल बना दिए थे 2 दिन में। 64 हज़ार का बिल बन गया जी। ठीक, उसके बाद रात में गहना आपने वहीं रखा है? जब हम बॉडी नहीं ले जाने दे रहे थे तो बोले भाई मेरे पास यही ऑप्शन है, दवा के लिए हमको ले जाना है, अब बचे या न बचे अलग बात है। तो उसके बाद वही सब जेवर रख करके आधार कार्ड लिखित अच्छा, हुआ अच्छा लिखित में है। हाँ, कुछ है फोटो तो उसका? हाँ, हमारे पास नहीं लेकिन किसी के पास है। अच्छा, मतलब आपके उसमें हाँ, है। उनका नाम वो पता है जो रखवाए थे? जो वो तो यहाँ की वहाँ के नहीं, जो वो हॉस्पिटल वाले हैं। हाँ, वो हॉस्पिटल के मालिक थे। क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता हमको कुछ भी, नाम आगे पीछे कुछ भी नहीं। उसमें एक लड़का था, हमारा मदद किया था, पौन नाम का। अच्छा, वो हॉस्पिटल में? हाँ, कोई वो था कर्मचारी। हाँ, वही बेचारा बोला ठीक है आ जाएगा। तिवारी थे वो। हाँ, लेकिन बाद में बताया कितना बिल हो गया। हाँ, तो उतना हो नहीं पा रहा मेरे पास। हाँ, फिर वही सामान वामान रख करके हम लोग फिर लखनऊ रात में ले गए उसको। हाँ, मतलब ये फिर लखनऊ के बाद? हाँ, यही रेफर करवाए। हाँ, जब वो स्थिति वही थी जब पहले थी, जो आपके बस का नहीं था बोल देना चाहिए था, मेरे बस का नहीं। अब कहानी मैं बताता हूँ, सुनिएगा शुरू से। भाई साहब लेके जाते हैं सेंट्रल अस्पताल, वहाँ 2 दिन तक इलाज चलता है। कुछ भी स्थिति सही नहीं होती है तो वो बोलते हैं कि रेफर कीजिए, लखनऊ ले जाइए। तब भाई साहब क्या करते हैं कि कितने का बिल है लाइए मैं भुगतान करूंगा। तो जब देखते हैं कि 60-64 हज़ार के था, तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो फिर हॉस्पिटल वाले उस मरीज को रोक देते हैं और कहते हैं पहले पैसा दो फिर मरीज को छोड़ेंगे। तो भाई साहब गहना लेकर जाते हैं और बाकायदा लिखित तौर पर भी इनके पास सबूत है, और उसके बाद जा करके वो वहाँ से बॉडी छोड़ देते हैं, यानी उस मरीज को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर भी एक खेल होता है, वो खेल क्या होता है तो वही एम्बुलेंस देते हैं, जैसा कि आपने पहले बताया एम्बुलेंस वही देते हैं। और इन्होंने ये कहते हैं कि हमें सरकारी अस्पताल लेके चलिए, लेकिन वो किसी और प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा सिंडिकेट है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद कितने दिन वहाँ पर भाई साहब रहते हैं? वही एक दिन रखे थे, एक दिन के बाद। हाँ, एक दिन दूसरे दिन एक्सपायर कर गया रहता। एक दिन के बाद वो एक्सपायर कर, जितना पैसा भेजी। अब उसके बाद कहानी ये होती है कि ये सारा पैसा इलाज में लगा देते हैं, और वहाँ से जब बॉडी घर लेके आते हैं तो इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि ब्रह्मभोज कर सके, जैसा कि मोहन ने हमें फोन पे बताया था। ये बात सही नहीं, बाबू नहीं। तो सोचिए इस परिवार को किस तरीके से कुछ चंद डॉक्टर्स और कुछ चंद अधिकारी, कुछ कथित तौर पर पत्रकार और कुछ अस्पताल वाले जो अवैध रूप से गोरखपुर में चल रहे हैं, यहाँ के CMO ने जब यहाँ पर नियुक्ति हुई थी इसी 2020 में जनवरी के महीने में आए थे, तो उन्होंने यही बयान दिया था कि हम सबसे पहले अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई करेंगे।
हालांकि वो कार्रवाई कहां तक पहुंची नहीं पता, लेकिन हाँ एक और सवाल और एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये मुहिम जब तक जारी रखूंगा जब तक सेंट्रल अस्पताल को मैं बंद ना करा दूं, क्योंकि उस अस्पताल ने न जाने कितनी जिंदगियों को इस दुनिया से तबाह कर दिया। और ये परिवार मुझे कैसे मिला मैं बता देता हूँ, वो भी कल मैंने जिस वीडियो बताया था उसमें अपना नंबर छोड़ गया था और कई धमकी भरे भी कॉल आ रहे हैं, लेकिन डरूंगा नहीं और दिखाऊंगा ज़रूर। उसी में से इन मोहन का भी फ़ोन आया था, इन्होंने बताया था कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, पहले मेरे पास सारे सबूत हैं, बीच में वीडियो में आपको दिखेगा भी, वैसे मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये है उस सेंट्रल हॉस्पिटल का, देखिए ये उसका पर्चा हो गया, इसमें कहीं भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, पहले ध्यान से दिखा दो, और इसमें तमाम डॉक्टर्स के नाम भी हैं। और ये देखिए पूर्वांचल डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पर इनके पेशेंट को लोग ले गए थे, और रेफर्ड बाई सेंट्रल हॉस्पिटल, दिखाओ मेरा फ़ोन जरा फूटा, हाँ। और ये भाई साहब, तो ये स्थिति है इस परिवार की। और गूगल पे नंबर पे अगर आप मदद करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई सरकारी अमला इस चीज़ को देख रहा है और यहाँ के गोरखपुर के विधायक सांसद देख रहे हैं, ये किस उसमें आता है, ये संत कबीर नगर में आता है, कोई देख रहा है तो सरकार भी इनकी मदद, सरकार को भी मदद करनी चाहिए। खैर ये मुहिम ऐसे रुकेगी नहीं, और हाँ जल्दी खुलासा करूंगा उन पत्रकारों का भी, उन आला अधिकारियों का भी। तो सचेत हो जाइए सीएम साहब, अपनी आपकी कुर्सी के नीचे न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो ये काम कर रहे हैं। 40 किलोमीटर यहाँ से गोरखपुर से जा करके उस परिवार से मिलकर आ रहे हैं, और उस परिवार के दुख तो आप जान ही गए। और इसमें सबसे बड़ी मुद्दा वाली बात ये थी कि उस हॉस्पिटल ने उस परिवार का गहना गिरवी रखवाया है। सोचिए जो सोशल वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं और वहाँ पर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। और याद रखना तथाकथित पत्रकार, जो तुम ईमानदारी का चोला ओढ़कर और हॉस्पिटलों को संरक्षण दे रहे हो ना, इसका भी खुलासा करूंगा कि जो अधिकारी सीएमओ ऑफिस में बैठ करके और जो मिलीभगत सरकार चला रहे हैं, इसका भी खुलासा करूंगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत बस मात्र 2-3 वीडियो के बाद ये सारे नाम आपके सामने होंगे। और जो मुझे फ़ोन पर बैठ के धमका रहे हैं ना, तुम करते रहो धमकाते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा, कि तुम गांधीवादी कहते हो पर पद के लिए तुम मरते हो, रिश्वत में जो कुछ मिल जाए उससे अपना पेट भरते हो और कुटिया बन जाती स्वर्ग धाम। हे पत्रकार साहब तथा पत्रकार साहब और कथित पत्रकार साहब और सीएमओ ऑफिस के अधिकारी आला अधिकारी साहब, आपको प्रणाम। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आशीष गोरखपुर।